जब बच्चा छोटा है उसे बुखार आ रहा है, बदन दर्द हो रहा है या सिर दर्द हो रहा है, तो उस समय आप बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं पैरासीटामोल, आइबोप्रोफेन। तो आज ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करें जिसके अंदर ये मॉलिक्यूल है। तो हम बात करें आईबीड्यूर पी ओरल सस्पेंशन के बारे में। तो इसे कब देना चाहिए, क्या डोज हो सकता है, क्या साइड इफेक्ट, क्या बेनिफिट हो सकता है, अगर आप पूरी जानकारी रखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो आईबीड्यूर पी जो ओरल सस्पेंशन है, इसके अंदर दो मॉलिक्यूल है, आइबोप्रोफेन 100 mg है और पैरासीटामोल 162.5 mg है ईच 5 ml में। इसका दोनों मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि एक जो दर्द रहता है उसे कम करते हैं, दूसरा जो बुखार रहता है उसे कम करते हैं, तीसरा जो इन्फ्लामेशन रहता है, रेडनेस रहता है, स्वेलिंग रहता है उसे कम करते हैं। तो ये मिलके बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाते हैं और बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं बच्चों का बुखार और कम करने में, उसका बदन दर्द कम करने में, या बच्चों में जैसे किसी तरह का बुखार है तो उसे ठीक करने में हेल्प करते हैं। अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं जैसे कि बच्चों में जैसे कि उसे बुखार है या बदन दर्द है या उसको स्वेलिंग के साथ में जैसे बदन दर्द है, या कहीं बच्चा खेल रहा था उसको थोड़ा बहुत चोट लग गया है अंदरूनी, उसके वजह से दर्द हो रहा है, या जैसे बच्चों में किसी तरह का बुखार आया तब इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका डोज कुछ इस तरह का रहता है। तो इसका डोज जो डिफाइन किया गया है बच्चों के वेट पे, जैसा बच्चों का 1 किलो के पीछे बच्चे का जो वजन रहता है उससे 15 mg पैरासीटामोल डिसाइड किया गया है। तो उसके हिसाब से जो डोज बनता है बच्चों का, अगर बच्चा 9 kg का है तो 4.2, 10 का है तो 4.6, और 11 का है तो 5 ml, और 12 का तो 5.6, और 13 का तो 6 ml। तो इस तरह से दे सकते हैं बच्चों में, और ये डोज लगभग 4 बार आप बच्चों में दे सकते हैं वो 4 घंटे के अंतराल में। जैसे आपने बच्चों को दिया, बुखार उतर गया लेकिन फिर से उसको बुखार 5 घंटे में आने लगा वापस से, तब तो इसे दे सकते हैं। और जैसे बच्चों का जो 4 घंटे के अंतराल में रख के 4 बार दे सकते हैं 24 घंटे के अंदर, उससे ज़्यादा ना दे। ये बहुत जल्दी बच्चों को जो बुखार वगैरह रहता है, बदन दर्द रहता है या सिर दर्द वगैरह रहता है तो उससे कम करता है, और बच्चों को अच्छा रिलीफ, बेटर फील करने लगते हैं। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं बच्चों के लिए, तो एक बार डॉक्टर से जरूर इसके बारे में डिस्कस करें, उसके बाद ही आप इसे परचेस करें और बच्चों में पिलाएं। तो अगर आप खुद से पिलाते हैं बच्चों में बिना डॉक्टर की सलाह से लेते हैं तो हो सकता है यह कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। बच्चों में उल्टी आ सकती है, जी मचला सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, सीना जल सकता है, और जैसे कि उनको डायरिया महसूस हो सकता है। ये कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप वीडियो चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो आपको जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।